गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूरव एंड यू आर वाचिंग जस्ट पिक्सेलेटिंग। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रोडक्ट शूट का BTS दिखाने वाला हूँ, कुछ प्रोडक्ट शूट करते हुए दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो एक्चुअली बहुत ही मेरे लिए फन रहने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने अब तक नहीं बनाया। और इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट शूट करने वाला हूँ वो है ये वॉचेस। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे यूनिक वॉचेस है घर पे, एंड आई थॉट कि मैं इन्हीं को शूट करके एक वीडियो भी बना सकता हूँ और कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी हो जाएगी मेरी। सो आई विल बी शूटिंग दिस वॉचेस टुडे एंड लेट्स सी कैसे जाता है ये। एंड एज यूजुअल मैंने मेरे नोट्स एक्चुअली इस बुक में लिखे कि मुझे क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, सब मैंने इस बुक में लिखा है। एंड क्या एसेसरीज लगेगी मेरे को, क्या लाइट्स है, क्या मेरा कैमरा सोर्स रहने वाला है। और जो आज प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने वाला हूँ वो मैं एक्चुअली मेरे इस कैमरे से करने वाला हूँ। ये है मेरा कैनन 600D। ये इसी कैमरा से मैं हर शूट करता हूँ, हर एक चीज़ इसी कैमरे से करता हूँ, और इसी से मैं आज मेरा प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने वाला हूँ। एक्चुअली जब मेरे को आज आइडिया है कि मेरे को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, तो मैंने एक्चुअली सोचा कि मेरे को टेलीफोटो लेंस से करना चाहिए, बट मैं वो प्लान ड्रॉप कर रहा हूँ। मैं अभी एक्चुअली मेरे कैनन 40mm f/2.8 से शूट करूँगा, और मैं साथ ही साथ में मेरे वीवो X60 ये वाले फ़ोन से भी शूट करूँगा। मैं दोनों से शूट करके आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये एक प्रोफेशनल शूट और एक मोबाइल शूट दोनों हो जाएगा। और कुछ इधर मेरे पास लीव्स पड़े हैं, मैं एक पर्टिकुलर वॉच के लिए मेरे को लीव्स की ज़रूरत है, तो मैंने वो अरेंज किए हैं। और यही सारे प्रोडक्ट्स से मैं शूट करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसा शूट होता है पूरा BTS, एंड कुछ टेक्निकल फीचर्स भी दिखाऊंगा मैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम हमारा जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला शूट जो हम करने वाले वो है इस वॉच का। ये वॉच है एक एम्पेरियो अरमानी का, एक वाइट कलर का प्योर वाइट सिरामिक वॉच है, और ये बहुत डेलिकेट वॉच है। तो मुझे लगा कि इसी को मेरे को सबसे पहले शूट कर लेना चाहिए। ये एक्चुअली व्हाइट वॉच है, तो मुझे लगा इसके पीछे कोई डार्क बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, तो इसके लिए मैंने चूज़ किया ये लीव्स। अब ये लीव्स थोड़े नेचुरल लुक देगा वॉच को, और ये थोड़े से अच्छा डार्क कलर्स है, एंड इस पर व्हाइट पैचेस है तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये लीव्स मैंने अभी फ्रेश कट किए हैं तो थोड़े गंदे हैं, तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि आपको अपने लीव्स क्लीन करने हैं। मेरे को अभी इसको धोने का टाइम नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से वाइप करूँगा गीले कपड़े से, एंड इस पर कुछ भी डस्ट नहीं देना चाहिए बेसिकली। तो अब जैसे आपने देखा मैंने जो लीव्स है उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। अभी बारी आती है वॉच को साफ करने का। एक्चुअली जो प्रोडक्ट होता है वो भी पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए शूट करने के टाइम, वरना उसको पोस्ट प्रोसेस में क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो मैं अभी वही करने वाला हूँ, मैं पूरा वॉच क्लीन करने वाला हूँ। इधर मेरे पास एक्चुअली अल्कोहल का क्लीनिंग लिक्विड है, ये वाला जो लेंस क्लीनिंग के लिए यूज होता है, मैं उससे और मेरा जो कैमरा क्लीनिंग किट है इस पूरे ब्रश से मैं इसको अच्छे से क्लीन करने वाला हूँ, और फिर हम लोग हमारा प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने वॉच को अच्छे से क्लीन कर दिया, मैंने एक्चुअली योगर्ट से उसको बहुत प्रिसाइसली क्लीन किया है, एंड फिर भी थोड़ा सा गंदा है, उतना पोस्ट प्रोसेसिंग में अगर निकल गया तो अच्छा है, बट लेट्स सी। अभी मैं सेटअप करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये वाले प्रोडक्ट का जो शूट रहेगा वो मोस्टली लीफ के ऊपर रहेगा। मैं सोच रहा हूँ लीफ पे थोड़ा सा पानी छिड़कूँ, थोड़ा पानी उस पर ड्रॉपलेट्स दिखे, और फिर उसके बीच में मैं वॉच रखूँगा, देखते कैसे जाता है। अभी जैसे कि ये वाला जो वॉच है उस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो मेरे को बेसिकली उस पर एक सपोर्ट लाना है, तो मेरा वॉच जो है सिर्फ फ्लैट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखेगा। तो अभी मैं उसका कुछ सपोर्ट ढूंढ के मैं उसके पीछे लगा के ऐसे थोड़ा सा अपलिफ्टेड दिखेगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, फ्लैट दिखने से अच्छा। फाइनली मुझे कुछ मिल गया। ये एक्चुअली मैंने कार्डबोर्ड का पीस यूज़ किया है जिससे वॉच थोड़ा सा स्टिफ है, एंड ये अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है अभी इसको। तो मैं अभी इसको प्लेस करने वाला हूँ सेंटर में, और बाजू में थोड़ा पानी छिड़कने वाला। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पानी छिड़कने से, उसके पहले मैं थोड़ा सा लीव्स और साफ कर देता हूँ। लीव्स को एक्चुअली आप गीला रखोगे तो ज़्यादा फ्रेश दिखेगा और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, तो इसके लिए मैं लीव्स को बार बार गीला करके इसको थोड़ा अच्छे से पोंछ रहा हूँ। तो ऐसे कुछ मैंने सेटअप किया है अभी के लिए, तो आपको मैं थोड़ा और क्लियरली दिखाता हूँ। एंड इसको मैं थोड़ा सा पानी छिड़कने वाला हूँ, और मैंने पीछे बैकड्रॉप यूज़ किया क्योंकि जो मैंने कपड़ा यूज़ किया वो गीला ना हो। सो
सो नाउ वी आर डन विद दिस, अभी हम लोग इस पे डालेंगे हमारा प्रोडक्ट। अभी हम सबसे पहले हमारा सबसे पहला टेस्ट शॉट लेके देखते कैसा आता है। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ कैनन 600D और 40mm f/2.8। कुछ फोटो कुछ ऐसा आ रहा है, अभी इसको हम लोग थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। पानी का ड्रॉप्स एक्चुअली नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं अच्छे से थोड़ा ड्राई होने दूंगा और फिर मैं एक ड्रॉपर से पानी के ड्रॉपलेट्स बनाऊंगा, तो उसमें जो ड्रॉप्स है वो क्लियरली विजिबल हो गए। ये स्प्रे में एक्चुअली इतना विजिबल नहीं है। अभी जो लीव्स है थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, थोड़ा सा वेट है, मॉइस्चर है, बट वो थोड़ा फ्रेश फीलिंग के लिए मैंने उसको रखा है। और इस पर मैं एक्चुअली स्ट्रॉ से ड्रॉपलेट्स बनाने वाला हूँ। अभी एक और ट्रायल शॉट लेके हम चेक करेंगे। इस शॉट के लिए मेरे सेटिंग्स है शटर स्पीड 150th पे, मेरा एपर्चर 2.8 और आईएसओ 200 है। एक्चुअली जो आप अभी शॉट देख रहे हो उसमें थोड़ा सा ना यहाँ पर डार्क है। ये मेरे पास एक फ्लैश लाइट है जिसमें एक फ्रंट फ्लैश लाइट है ऐसा, और इसमें एक ऐसा फिल लाइट भी है। मैं फिल लाइट से इस वाला एरिया थोड़ा फिल करने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली मैं मेरे रिजल्ट से थोड़ा खुश हूँ, मेरे को थोड़े अच्छे शॉट्स मिल गए। अभी ये सेम शॉट मैं फ़ोन से भी लेने वाला हूँ। तो इधर मेरे पास वीवो X60 है, इस पर एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा आपको। तो ये था हमारा सबसे पहला वाला। अभी हम स्टार्ट करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के लिए, ये वाला वॉच लेने के लिए। इस पर एक्चुअली ब्लैक स्ट्राइप्स है और गोल्डन रिम्स है, ये भी काफ़ी एक अच्छा वॉच है। एंड इसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट शूट करने वाला हूँ।